बोला है ना चुप बैठो आप, तुम गड़बड़ करना, तुम्हारी कितनी धुलाई करती हूँ मैं, बहुत हो गया, तुम ड्रामा ज्यादा करते हो ना। जब मैं तुम्हें टाइम दिया ना, मैंने कहा याद कर लो, कुछ भी याद किया, सारे पढ़ गलत करके रख दिया, और याद करवाए हुए हैं पहले से मैंने, तब ये हालत है। तुम यहाँ बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ, तुम तनिष्क को कॉर्नर बैठ जाओ, ये यहाँ बैठ जाओ, बस यही बैठ रहो। तुम्हारा एग्जैक्ट है लाइन एकदम, बस ये लाइन ऊपर नीचे नहीं, अच्छे से क्या करो ऐसे करके नीचे रख के बना लेना, ऐसे पूरा ऐसे दबा लेना यहाँ तक, जहाँ तक जा रही हो लाइन, एक ही बार में जाएगी, चाहे वो लाइन के ऊपर बन रही है चाहे हिलना नहीं चाहिए जरा भी। अभी नई नई बना रहे हो ना, थोड़ा इसीलिए दिक्कत आ रही है, हैं फिर से बनाओ, अभी गलत है वो। संज्ञा लिंग और सर्वनाम, संज्ञा की परिभाषा, लिंग की परिभाषा, सर्वनाम की, ठीक है पहले परिभाषा का टेस्ट लूंगी मैं। संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अरे नहीं उससे सही नहीं आ रहा, और संज्ञा की डेफिनेशन यहाँ से, और संज्ञा के भी है ना, स्पेलिंग भी आनी चाहिए, टेस्ट होगा अभी मैं लिखवाऊंगी, फिर उसके बाद में है तुम्हारा लिंग, लिंग की परिभाषा याद करनी है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में है संज्ञा, फिर है सर्वनाम, फिर सर्वनाम पे चले जाना, ये वाला सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम है, ठीक है बस इतना ही है, बाकी बुक वर्क बाद में होगा, पहले सिर्फ परिभाषा याद कर लो और भेद इनके पढ़ लोगे, संज्ञा की परिभाषा और इसके भेद, स्पेलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, मैं लिख क्वेश्चन दूंगी तुम्हें लिख के, गुड अच्छी बनाई है, नाइन है दिख रही है, बहुत बढ़िया बनाई है, इसका नाम भी लिख दो बाबू, पी क्यू दिया है ना मैंने, बोला लाइन सेगमेंट की पी क्यू लिख दो, पी क्यू है इसका नाम, बहुत सुंदर बनी है, ऐसी बना, देखो पीछे दिया है ना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में नाम दिया है तो वही देना होता है हमें, नहीं मैम इसका वो है, तो वो मैंने सी वाला दे दिया ना, तुमने पहले सी बना दिया फिर बाद में बी बनाया। संज्ञा किसे कहते हैं, बस सही है, संज्ञा के भेद बताइए, अब लिख के दिखा दोगे मुझे, अब आप लिंग की परिभाषा, तीनों का चक्कर लूंगी मैं टेस्ट, लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद, स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए, ठीक है बुक लो अपनी, मैथ्स की बुक दो मुझे, मैथ्स की बुक क्या करना है, फिर उसके बाद तुम उतार लेना, ये बना हुआ आएगा, तुम्हें सिर्फ नाम देना, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ ना क्वेश्चन, नेम द रेस वर्टेक्स, रे किसको कहते हैं, एक मिनट, वर्टेक्स एंड एंगल सो फॉर्म्ड, एंगल सो फॉर्म्ड माने बनना, फॉर्म नहीं है, क्या है फॉर्म्ड, फॉर्म्ड माने जो बन रहे हैं उनके नाम, अब जैसे फिगर दे रखे ना तुम ऐसे ही बना सकते हो स्केल से, अपने स्केल से बन जाएगी, तुम्हारे स्केल से बना लेना, ऐसे ऐसे बना लो जो जो दे रखे, मैं एक बता रही हूँ एक जैसे बनी होगी ना ऐसे, तो इसके लिए फिर तुम्हें यहाँ पे लिख देना इनके, क्या क्या लिखना था, रे, रे कौन कौन सी है इसमें, ठीक है
और लिखना है वर्टेक्स कौन सी, वर्टेक्स में कोने का नाम लिखना है, और लिखना है एंगल्स कौन से हैं। फिर एक बार मैं एक बता दे रही हूँ, सेम वैसे ही करना है सारा। अभी जैसे मान लो मैंने इसका नाम दिया तो मैं पी क्यू आर, रे क्या है, रे इधर को जाएगी, जहाँ एरो है ना उधर की तरफ, इसको पी क्यू नहीं लिखेंगे, एरो इधर है ना, तो क्या बोलेंगे क्यू पी। रे का नाम क्या है, और कैसे लिखेंगे, ऐसे एरो लगाएंगे, एक तरफ एंड पॉइंट होगा और एक तरफ एरो, ऐसे लगाना है। एक क्या है, एक तो क्यू पी है तुम्हारी, क्या रे, और एक क्या है क्यू आर, क्यू आर, जिधर एरो होगा उधर की तरफ को नाम पढ़ना है, पहले इधर से पढ़ना है दूसरी तरफ से, ठीक है, आर क्यों गलत हो जाएगा। अब वर्टेक्स में जहाँ एरो है ना उधर नहीं, दूसरी तरफ से पढ़ना, कोने से पढ़ना, कॉर्नर से। वर्टेक्स माने क्या होता है, कोना, कोने का नाम क्या है, रोने को क्या कर दिया इसे, क्यों, एंगल्स का नाम क्या है, एंगल ये है, इसको तीन तरीके से लिखते हैं, एंगल क्यू भी लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं, एंगल पी क्यू आर भी लिखेंगे, एंड एक मिनट चुप बैठो, क्वेश्चन भी नहीं देखने दे रहा, तो क्वेश्चन लिख तो लिए तूने, सारे दो ही तो लिखे हैं, अरे दिखा दो क्वेश्चन लिखेगी वो, चीटिंग नहीं करेगी, उसे पता है इतनी भी वो नहीं है, वो भी एंगल पी क्यू आर, एंगल आर ये एंगल, ये एंगल का साइन है, किसका साइन है, एंगल को ऐसे ऐसे एंगल में ना बीच में जरूर आएगा, देखो यहाँ भी क्यों बीच में आए, इसमें मतलब एंगल ना, इसको एंगल क्यों तीन तरीके से लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं और लगा देना और, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तीन तरीके से लिखा जाता है, इसे तीनों तरीके आने चाहिए, तो मैं एंगल क्यों भी बोल सकते हो, उसके एंगल पी क्यू आर या एंगल आर क्यू पी, मतलब बीच में क्यों ही आएगा, हम क्यों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल क्यों की। ये एक मैंने बता दिया, बाकी के तुम फटाफट से बना लो स्केल से, अपने स्केल से ही बना दो, जैसे भी, बना के जगह छोड़ दो इसके लिए जो लिखने हैं ना, फिर अभी जैसे बी वाला बनाओगे, ये वाली फिगर बनानी है, स्केल से बना लेना, ऐसे खींच लो स्केल से, ये चीज़ ऐसे स्केल से फटाफट करो, है ना, और ये लिख देना इधर सामने, लिख लोगे सब में रे वर्टेक्स, ये नाम अपनी मर्जी से देना, पहले सिर्फ खाली बनाओ, नाम मत देना, जब बुक बंद हो जाएगी तब नाम दिए जाएंगे, हाँ तब मुझे दिखाना, नाम फिर खुद देना है तुम्हें, ठीक है, लिंक की परिभाषा, लिंक किसे कहते हैं, याद करो याद नहीं है तो याद करो ना, बुक है तो इतना फालतू मत बोलो, याद करो, याद करता नहीं है बिल्कुल, आलसी है आपसे ज्यादा, तो मैं बहुत पिटाई करने वाली हूँ, रोने से काम नहीं चलता, रोने बैठ जाएंगे, पढ़ना नहीं है तुम्हें, पढ़ना लिखना तो है ही नहीं है, नेम द, अभी डंडे इतने बजाऊंगी ना, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, घर भेज दो, अभी खुश हो जाएंगे, लाओ स्केल का, ये बार बार आया तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, एक चीज रे, रे का साइन बताया ना मैंने, सिंबल कैसे लगाना है, लगाया तुमने, और ये मैंने क्या कहा, कैपिटल नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी ये स्मॉल में लिखो ना, तो नाम लिख रहे हो तुम, वर्टेक्स ठीक है तुम्हारा, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई एक्स, ये ठीक है, एंगल गुड, इसको बाबू इसका वो सिंबल और लगा दो फिर ठीक है तुम्हारा, हाँ सिंबल तो लगेगा इसका, लिख लिया सारे तुमने, ये एंगल, एंगल तीन बताया ना, तीन तरीके से, एक एंगल ए बी सी, एक एंगल, एंगल नहीं लगा एंड नहीं, एक और लगाओ एंगल बी भी तो लिख सकते हैं, खाली इसको तीन तरीके और लिख दो, और एंगल लगाना और एंगल बी, तीन तरीके से एंगल का नाम दिया जा सकता है, तुम्हें एंगल का नाम देना आना चाहिए, ठीक है, रेस के ऊपर ये लगाओ, सबके ऊपर, सब रेस के ऊपर सिंबल लगाओ, क्या बोल रही हो तनिष्का, लाओ दिखाओ, मैं लिख के देती हूँ, तुम बना लेना, बनाना नहीं है तुम्हें, सिर्फ नाम लिखने आने हैं चाहिए, वो तन्मय भी वही फिगर बना रहा है जो तुम बनाने जा रही हो ना, तन्मय भी वही वाला बना रहा है, मैं सिर्फ एक फिगर बना के दे रही हूँ तनिष्का, बाकी तुम तन्मय की बुक से देख के बना, तन्मय भी वही फिगर बना रहा है, मैं ये वाला पूछ रहा थी कैसे होगा, ये एसटी तो हो गया, एसटी नहीं, गलत लिखा है मैंने, कहा जहाँ टीएस, एरो की तरफ जाना है तुम्हें, टीएस और टीयू,
टी एस सही लिखो। तन में तुम इधर बैठ जाओ बाबू, ये ना ये भी लिखेगी, तनिष्का को भी लिखना है। तनिष्का एक समझ लो पहले तुम, फिर तुम उतार ये फिगर बना लेना। और नाम अपनी मर्जी से देना है, खाली फिगर फिगर बनाना है तुम्हें। अभी इसका नाम क्या देना चाहती हूँ फटाफट बताओ। इसका नाम एबीसी हो सकता है। एबीसी लिखना है, ए बी सी, ये नाम दे दिया। रे बतानी है, रे कहते हैं ये एरो लगाना इधर, तो यहाँ जिधर एरो है ना उधर की तरफ बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ बिंदी से लिखना एंड पॉइंट ए कैसे। और ए क्या है इसमें, बी ए, ए बी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्या है बी, एरो उधर जा रहा है ना, रे बी ए एंड, और कौन सी है सी बी, नहीं बी सी, सॉरी ठीक है। या तो आप इसको बोल सकते हो एंगल बी या फिर एंगल ए बी, बीच में बी भी आना चाहिए, बस ये ध्यान देना बी है तो यहाँ क्यू होता तो क्यू, बी होता तो बी, ठीक है। एंगल ए बी सी लिखोगे या फिर एंगल सी बी, या तो ए बी सी बोलो इसे, या एंगल सी बी ए या एंगल बी ए की बात है। लाल लाल हो रहे हैं देखो, सब में यहाँ बी आया, बीच में यहाँ भी बी आया, इसमें भी बी आया, तो एंगल का नाम ऐसे तीन तरीके से हम लिख सकते हैं, तीनों तरीके हमें लिखने आने चाहिए। एंगल ए बी सी, बी एंगल किसे कहते हैं, जब दो लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ रही हैं जहाँ पे दो रे, तो वो एंगल बनाती है। तो ये जो है ना तुम्हें सुनो, फिगर बना लो उसकी बुक से देख के और ये लिख के रखो बस, रेज वर्टेक्स, और ये नाम नहीं देना, नाम बाद में तुम खुद देना, सेकंड बी से बनाना है। सुनो तनिष्का, ये लिख के रख लेना, अभी फिगर बना के साइड में लिख लो, और ये नाम में सारी फिगर बना, फिगर बना लो और जगह छोड़ दो उसके लिए, इधर सामने है तो वही बना लेना, ये लिखने के लिए जगह छोड़ो, बनाओ फटाफट। नक्श याद हुआ तुम्हें, रोना तो इसलिए है ना, अभी इतनी पिटाई हुई, बिना मारे मारा नहीं है, कुछ नहीं किया, ऊपर से रो के और दिखाएंगे, पिटाई करूंगी तो पता नहीं क्या होगा। चला गया इसलिए रो रहा है क्या, अरे मैम ने डांट दिया, तो डांटूंगी नहीं, ना पड़ेगा नहीं, इतना डांट दो, बिल्कुल याद हो गया भाई तुम्हें, इसको फिर पेंसिल लग जाएगी ना, उल्टा करके लिखो ना, इसे रखो ऐसे, पहले भी लग चुकी है ना पेंसिल हाथ में, जल्दी याद करके सुनाओ पहले मुझे, फिर उसके बाद मैं लिखवाऊंगी, लिखने के लिए टेस्ट दे दूंगी, सही कर लोगे बुक वर्क सुना दोगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। नक्श जो कल छुट्टी करेगा उसी की पिटाई लगेगी। मैं तो नहीं करती। भाई क्या भाई, पढ़ते हो कुछ, कौन सा प्रेशर डल गया कुछ, इतना काम करा लिया तुमसे? नहीं, ये तो एंजॉय तो हो रहा है तुम्हारा, कौन सा है तुम खेल पढ़ रहे हो कोई, एंजॉयमेंट ही तो है तुम्हारा, मुझे तो फिगर बनाने बड़ा मजा आता है और राउंड राउंड से तो आ जाता है। कृपया में बुलाइए मां, अरे नहीं वो इतने बड़े जो नोट लिख के दिए ना मैडम ने, ऐसे ही नहीं लिख के दिए, वाकई में नहीं पढ़ते हो तुम। हां इसको लिख के दिया है नोट मैडम ने, रबड़ से मिटो रहा था, अरे पेंसिल चल गई थी रबड़ से मिटो रहा था ना, वो जो चल गया था वैसे ही मैम ने देख लिया, डायरी पे लिख दी, लिखा ना क्या लिखा, तन्मय इज नॉट अटेंटिव दिस डेज, इन दिनों तन्मय ध्यान नहीं दे रहा है, और डायरी में इतना सारा रखा है, परोसा है इतना सारा मैडम ने नोट। एक तो रीडिंग जब ये करता है ना मैडम, इसकी रीडिंग मैडम ने पहले भी कहा लो वॉइस में तेज नहीं बोलता, बहुत धीमे धीमे ऐसे पढ़ता है, खुद को ही सुना रहा है, अब क्लास में जब मैडम रीडिंग करवाएगी तो जोर से बोलेगा तभी तो मैडम तक आवाज पहुंचेगी, एक शिकायत वो बन जाती है तुम्हारी कि धीमे पढ़ता है, क्लास रूम में तो सब तक आवाज पहुंचनी चाहिए ना कि तन्मय पढ़ रहे हैं अभी क्या सुना रहे हैं पढ़ के। बताओ बाबू लिंक किसे कहते हैं, जाति की वेरी गुड, और लिंग के भेद बताइए कितने भेद होते हैं, पूरा बोलो लिंग के दो भेद होते हैं, ऐसे बोलो नाम बताओ फिर उनके, अब सर्वनाम भी सुनूं क्या, बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं,
सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा नाम के युक्त शब्द। संज्ञा नाम के याद नहीं है, याद करो, करो, याद नहीं है, उसमें जाति भी नहीं बोला। अभी नाम क्यों दे रहे हो? मैंने कहा ना नाम बाद में लिखना है, नाम वाम मत दो उसमें से, देख देख रहने दो, मिटाओ मत। आगे मैंने मना किया था ना, नाम नहीं लिखना उसमें से, देख के नहीं लिखना, खुद नाम देना है। ये तो लिखने हैं, ये नाम जो दिया ना अभी फिगर में, ये जो लिखा अभी तुमने, ये खुद लिखना था अपने मन से, ठीक है? अभी कोई बात नहीं, जो लिख लिया लिख लिया, आगे से नहीं लिखना। हाँ सब में लिख लो, रेज, वर्टेक्स और एंगल्स, ये तीन चीजें बतानी है इस फिगर में से तुम्हें। बताओ भाई सर्वनाम किसे कहते हैं? पर हो गया तुम्हारा, लो दे दो मुझे, मैं चेक कर देती हूँ। मैं दे दी, लिख के दिखा रहे हो मुझे? गलती होगी तो डंडे से पिटाई लगेगी, पहले ही मैं बता रही हूँ, इसलिए पढ़ लो जितना पढ़ना है, स्पेलिंग वगैरह जो देखना चाहते हो फिर मत बोलना मुझे। लिखो साफ साफ, सुंदर सुंदर लिखना है। अब फिर ना मैं इसको नाम दे दूंगी अपनी पसंद से, एमएनओ भी हो सकता है ना। क्यों भाई, मैंने एंगल के तीन नाम बताया ना, तीन तरीके से लिखते हैं, तुमने दो दो ही लिख दिए सिर्फ, बार बार ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? इधर आओ, पहले मैंने बोला तीन तरीके से लिखना है ना एंगल का नाम, दो तरीके से लिखने लिखे हैं तुमने, तीनों तरीके से लिखना है यार। एंगल का नाम भी गलत दिया है तुमने अयान, इधर आओ, ये वाला एंगल का नाम गलत दे दिया, आओ इधर, यहाँ तुमने एंगल लिखा ना, फिर यहाँ तुम एंगल नहीं लिखते हो, बताओ। देखो एंगल पी क्यू आर है, एक तुम्हारा आर क्यू, यहाँ भी एंगल, और फिर क्या लिखे और क्या नाम दे सकते हैं? तीन तरीके से बताया ना मैंने, या तो ऐसे लिखो या ऐसे, और क्या लिखे खाली एंगल क्यू भी लिखना है, ऐसे इनका भी तीन तरीके से नाम लिख के लेके आओ। ये देखो ये रे भी नहीं लगाई, क्या है? एक जैसे समय नर्सरी क्लास में हो तुम, सही करो मिटा के फटाफट। आगे इसका भी थर्ड नाम भी लिखो, ऐसे करते रहते हैं जैसे एक एक चीज बताई जाएगी, तुम्हें बता दिया ना कितनी बार। तुम्हें मालूम है एक, तुम बहुत केयरलेस ऐसे हो यार, बहुत पिटाई लगेगी तुम्हारी। जब एक सम बता दिए उसी टाइप से करना है तो तुम ध्यान दे रहे हो क्या करने बोला है तुम्हें? अपना नाम दे दो पेंसिल से, एक बार चेक नहीं कर सकते कि कैसे करवाया हुआ है? उसी हिसाब से करना है सारा। पैर उधर पैर लग रहा है तुम्हारा, कुछ भी नाम दे सकती हो, ऐसे लाइन वाइज दे रहा हूँ, एम एस, हाँ ऐसे नाम दो, ऐसे कुछ भी, मतलब लाइन वाइज ऑर्डर में देना चाहिए, नाम ऑर्डर में नाम दिया करो, डी एफ ए बी सी ऐसे कुछ भी, एम एन ओ, ठीक है कैसे भी दे लो, बस ना पेंसिल से ही लिखना है ना। मर्जी है, बाकी नाम चेंज करके दो, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है ना, इसलिए तुम अपनी मर्जी से दो। अब ठीक है तुम्हारा, डांट खाए ये गलत कर दिया, आओ इधर को, आओ इधर आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ। देखो एंगल किसे कहते हैं जो बीच में होता है, ये एंगल है तुम्हारा टी यू एस, टी यू एस ये एंगल है, एंगल किसे कहेंगे, क्या आना चाहिए बीच में? टी, या तो एस टी यू बोलो या यू टी एस बोलो, आगे समझ में? एंगल टी ये वाला सही लिखा है, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत हो रहे हैं तुम्हारे, पीछे भी देख लो क्या किया, पी क्यू आर लिखो है, आर क्यू पी या एंगल क्यू, ठीक है एंगल एम एन ओ या ओ एन एम या एंगल एन, वेरी गुड, ये ठीक है। देखो एक दो गलत कर देते हैं, ऐसे कैसे करते हो तुम, इसको मिटा के सही करके लेके आओ ये वाले दोनों, और थर्ड वाला सही था एंगल टी खाली, ध्यान दो ये चीजें बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, रोज रोज नहीं कराई जाएंगी एक ही चीज, कि एक ही जगह पे लेटे रहते हो पड़े रहते हैं उसी पे। बन गई तुमने फिगर, फटाफट बनाओ, ये तो कोई नापना नहीं है, बस अंदाज से बना देना ऐसी जो दे रखी है।
लर्निंग वर्क भी करना है अभी, फटाफट करो, इतना स्लो करेंगे तो कैसे काम होगा। लाओ एंगल UTS एंगल, वेरी गुड, अब सही है तुम्हारा, सुंदर बनाया, ऐसी बनाना है। अब ये है ना यहाँ पे नेम द पॉइंट्स दैट लाई, ये फिगर बनाओ फटाफट और ये उतारो, पहला वाला क्वेश्चन उतारो, आंसर के लिए एक लाइन छोड़ो, ये लगने पॉइंट इसके बाहर ये, हाँ हाँ ये भी लगाना है, ये फिगर बनानी है और ए उतारो फिर आंसर के लिए एक लाइन, फिर बी उतारो और अगर तुम्हारा इतने में उतर जाता तो यही आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नीचे आंसर लिख लेना, नीचे लाइन छोड़ देना, बनाओ फटाफट। एक ये बना लो, राइट एंगल बना दो ऐसे ही तुम स्केल से, तन्मय वाला स्केल यूज कर लो, जिधर एरो है उधर बाद में लिखना है वो वाला, है ना अल्फाबेट, जिधर एरो है वो बाद में आएगा, ये ध्यान देना है। नाम दो अपनी मर्जी से, अब मैं तो दे दिया एन ओ, नो नो फटाफट करो, जल्दी नाम दे दो भाई, अब ए लिखो, ए में लिखो, लाओ मुझे दो, मैं लिख के देती हूँ, दो फटाफट मैं क्वेश्चन लिख के देती हूँ। सबके नाम दे दिए, अब रे देखो कौन है, रे पहचानो, वर्टेक्स पहचान के लिखो और एंगल्स पहचान करके लिखना है, नहीं आएगा तो तन्मय बताना, बैठे मत रहना। एस आर, ध्यान देखो कैसे लिखना था, ये दिया नेम द पॉइंट्स दैट लाई इन द इंटीरियर, पॉइंट्स यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ से लिखना है पॉइंट्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी के अंदर क्या क्या है, पहले पॉइंट डाल लो तुम ये इसमें से देख के, एस आर, दो पेंसिल दो मैं लिख देती हूँ, नहीं तो तुम इसमें से देख लो, फटाफट में वेरी गुड, देख लो कितना इजी काम दिया तुमने, ये यहाँ तुम्हें करवाया हुआ है ना, कौन इंटीरियर में कौन से पॉइंट है करवाए थे ना मैंने, एक्सटीरियर माने क्या होता है बाहर, वेरी गुड, और इंटीरियर अंदर, ऑन ऑन उस पर, वेरी गुड, बाहर के लिए क्या लिख सकते हो और एक्सटीरियर के अलावा, आउटसाइड, और अंदर के लिए इनसाइड, इनसाइड भी दिया है तो भी समझ जाओ पॉइंटों के नाम लिखे हैं, अब तुम यहाँ से देखोगे पॉइंट दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है उनके नाम लिखना, ठीक है, फिर बोल रहा है पॉइंट दैट लाई इन द एक्सटीरियर एंगल एबीसी के बाहर कौन कौन से पॉइंट है, इसके ऊपर वाला नहीं लिखना, बाहर कौन कौन से पॉइंट है, फिर बोल रहा है इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट है वो लिख देना, चलो बैठ जाओ। हाँ अगर इधर ये लिखो तो सीएबी, क्या एंगल में, एंगल में बी बीच में ही आएगा, सी बी ए लिखेंगे, सीएबी नहीं, सी बी ए, बीच में बी ही आएगा क्योंकि एंगल बी है ना, चेक करा दो मैं देख लूं तुम सही कर रहे हो कि नहीं, एक बार दिखा दो, गुड, सही है, ऐसे ही करना, आ गया ना तुम्हें समझ में, चलो तुम्हारा ये हो गया, अब ग्रामर का तुम्हें बनाना है, पकड़ो कल कौन कौन सा टेंस बताया था, टेंस का नाम बताओ मुझे,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। कैसे पहचान करते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है। अच्छा सही है वेतन में तुम्हारा गुड सही कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट की कैसे पहचान करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के पीछे आता है चुका है, चुके हैं, चुके ऐसे आता है तो, या फिर ऐसे। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होते हैं उनके पीछे, या फिर और क्या, चुका चुकी के अलावा और क्या आ सकता है? या है, या है, ये है, ऐसे आ जाता है ना, मैंने खाना खा लिया, मैंने काम कर लिया है। हम ये ना बोलिए मैं कर चुका हूँ, नहीं बोल के कर लिया है, ऐसे भी तो बोल देते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनाते हो, पहले क्या लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्क क्या लगती है इसमें? वेरी गुड। लिखो एक सेंटेंस, लिखो इसके बाद कोई और भी काम नहीं, इसके बाद इंग्लिश करो बस। मेरा तुम्हारा ये हिंदी का पूरा सुन लूंगी, फिर छुट्टी कर दूंगी, फिर घर जाना अपने। तनिष्का रेजर होने वाला है 5 minutes to 6। तनिष्का 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, बोलते हैं 5 minutes to 6 यानी 6 बजने में 5 मिनट बाकी है। 5:55 इतना लंबा काउंट करने के में जो होती होती, सीधे हम बोल रहे हैं 5 मिनट इतना बोलते नहीं हम, सीधे बोलते हैं 6 बजने में 5 मिनट है, 5:55 कोई ना बोलते हैं, हम शॉर्ट के हिसाब से बोल सकते हैं ना। ला मुझे ला, ला मैं लिख के देती हूँ फटाफट। रे हाँ नहीं ऐसे नहीं, पहले वहाँ से एरो की तरफ बाद में जाना है, पहले उधर से जाओगे। मैम 10 लिख देना। हाँ ऐसे जाएंगे, 10 लिख देना मैम, पहले आर फिर क्यू। कोई मैं तो नाम लिखा कोई इतना बड़ा दिख नहीं रहा। तो ये सारा हो गया। हुआ नहीं है अभी, करेंगे मतलब वो तो वैसे बताऊंगी ना।
अभी इतना आया नहीं, क्या बनाओ टेंसेस, फिर आगे देती हूँ। मत बताओ, उसे कोशिश करने दो, मत बताओ, अगर बता दो खुद करेगा ना, इसलिए इधर देखो वो कर लेगा, उसको बता रहा है, बताया मैंने कैपिटल है, मैंने सारा काम कर लिया है। एरो रे है तो रे में एरो नहीं लगाओगी, ये गलत हो जाएगा, सब में एरो लगेगा, रे में लाइन सेगमेंट नहीं है, क्या ये रे, रे में एक तरफ एरो आता है, एक मिनट मैं वो देख लूं पहले से, ये कैपिटल एक्स आएगा, स्मॉल नहीं, एक मिनट सब में लगा देना एरो, रे लगेगी, यहाँ एंगल लगाना भूल गई हो, चलो एंगल मैम सारे को क्या बोलते हैं, ये क्या करें इनका, दसियों बार बताया, कॉमा भी लगाना है हमें, नहीं लगाएंगे तो मीनिंग कुछ, और आदि की स्पेलिंग भी गलत है तुम्हारी, लगा देंगे सब जगह, लगा दिया, मुझे लगा था वो शायद ऐसी कुछ लगा होगा, कोई बात नहीं, तो समझ आ गया, बट इजी था ये, ज्यादा डिफिकल्ट, तो ये बेस क्लियर होना चाहिए, ये सीखना है पहले, एंगल एन, एंगल एम एन ओ, एंगल ओ एन एम, एन एम और है तुम्हारा एन ओ, वेरी गुड, ये ठीक है तुम्हारा, है यार, ये गेट खोल दो, ये गेट खोल दो, इधर वाला गेट खोल दो, एक तरफ वाला, पाकिस्तान के यहाँ पर भी कोमा आएगा ना, सही 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 है तनिष्का, तुमने सही किया है ये सीखने में, इसके अंदर मैं ये नाप लूं, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, वह पहले आ गया है, फ्यूचर का तो दिया ही नहीं है मैंने, देखो मैं करता हूं, फ्यूचर का भी दिया ही नहीं मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट कर दी, मैंने कहा ना अभी दो ही टेंसेस चल रहे हैं तुम्हारे, उनको क्लियर करना है तुम्हें, मैं बच्चा ही, मैं बच्चा पहले ही आ गया है, मैं भी आ चुका है, चुका चुकी वो है ये प्रेजेंट वाला, जब मैं थोड़ा पीछे हो जाए मेरी सीट भी हो जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाए, सही कर रहे हो अभी तुम, थोड़ा इधर बैठ जाओ, तुम मैं यहां बैठो, कोने में बैठो, यहां बैठो, वह है लड़का है ना, ही यहां दिख करेगा, किसके अयान के, चले जाओ भैया, मेरे पापा आ गए, मुझे करवाने का, क्या करूं मैं,